نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج पिछली गुफ्तगू के तसलसल में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी और फिर आगे सबक की तरफ बढ़ूंगी कि हमारी ज़ाती यानी जिस्मानी तहारत जिसका आगाज़ इस्तिंजा करने से होता है, इसको दुरुस्त करने के बाद हमारा अगला मरहला क्या आता है? वुज़ू करना। और वुज़ू में याद रखिए कि सवाब उस वक्त मिलता है जब हम दिल में नियत वुज़ू करने की करके ज़ुबान से ये कहकर वुज़ू शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, ये ज़ुबान से कहना है। और नियत कैसे करनी है? वॉशरूम के बाहर खड़े होकर नियत की मैंने वॉशरूम में जाकर वुज़ू करने की, ऐसे करनी है? नहीं, दिल में इरादा ये रखना है, ख्याल ये रखना है कि मैं वुज़ू अल्लाह की इबादत करने के लिए कर रही हूँ और वुज़ू को भी इबादत समझ कर रही हूँ। ठीक है, ये बस ख्याल दिल में रखना है। अगर इस ख्याल के बग़ैर जाके आप वुज़ू कर लेंगे, वुज़ू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। आप जितना मर्ज़ी मुंह को मांझते रहें, जो मर्ज़ी लगाते रहें, जितना टाइम सर्व करके आ जाएं, सवाब उस वक्त मिलेगा जब आपकी नियत वुज़ू की होगी। इसीलिए उलमा ने कहा है कि जब भी आपको ये लगे कि भी मुझे मुंह हाथ धो लेना चाहिए, कभी बंदा फ्रेश नहीं होता, थका हुआ होता है, वो चाहता है कि मैं मुंह हाथ धोऊं, चंद छींटे मारूं, फ्रेश हो जाऊं। और कभी बाहर से आता है तो आके वो समझता है कि भी मैं मुंह हाथ धो लूं, बाहर से होके आया हूं, जरा सीम होंगे, मिट्टी होगी। तो इन सारे औकात में हम हाथ भी लाजमी धोते हैं, कुल्ली भी लाजमी करते हैं और मुँह धोना तो वैसे भी मजबूरी है ना हमारी, वो तो हमने धोना ही धोना होता है। अच्छा, अब बाकी क्या रह जाता है? यानी आपने हाथ धोए तो इतने इतने हाथ तो आपने धो ही लिए, पीछे ये थोड़ी सी जगह रह गई और आपके पैर रह गए, ऐसे ही है। तो अगर हर मर्तबा जब हमें लगे कि हमें मुंह हाथ धोना चाहिए तो हम पूरा वुज़ू कर लें तो कितनी खुशनसीबी की बात है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक आप वुज़ू के साथ हैं तो वुज़ू का एक रोब है, वुज़ू का एक रोब है। जो बंदा बावुज़ू रहता है उसका रोब दूसरों के ऊपर रहता है। फिर वुज़ू की ये बरकत है कि वुज़ू जब तक आपने किया हुआ है आप हल्के फुल्के और पाक रहते हैं, आपको इबादत का सवाब मिलता रहता है और फरिश्ते आपके साथ रहते हैं। जब तक आपने कामिल वुज़ू किया हुआ है शैतान आपके करीब नहीं आता। कितने फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं ना। अच्छा, अब इसको दुरुस्त तरीके से करना सीखना है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि वुज़ू में कितने काम वो हैं जिनमें से मामूली सा भी छूट जाए तो बिल्कुल वुज़ू होता ही नहीं है। फिर कितने काम वो हैं जो हमारे वुज़ू के नूर को ज़्यादा करते हैं, वुज़ू की तकमील करते हैं। और हर चीज़ का हुसन उसकी तकमील के साथ होता है, सिर्फ़ उस पर ख़र्च करने या टाइम स्पेंड करने से
नहीं होता, बल्कि क्या होता है उसकी तकमील के साथ होता है। देखें ये आप जिस जगह पे बैठे हैं इस पे अभी तक हमने करोड़ों रुपया खर्च कर लिया है, तो ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। अभी छतें नजर आ रही है ना, और उनके साथ भी कागज लटक रहे हैं। तो अब हम हर बंदे को बताते फिरे कि भाई इस पे इतने करोड़ रुपया हम लगा चुके हैं, बात तो सच्ची है लेकिन किसी की दिलचस्पी का बायस नहीं है जब तक इसकी तकमील नहीं हो जाएगी, हुसन इसके अंदर नहीं आएगा। जब हुसन आएगा तो लोग आके कहेंगे सी दरस वेखण आया, फिर उसके हुसन का ये आलम होगा। तो अब आपको वुजू की मिसाल दे रही हूँ ना कि आप वुजू में जितना मर्जी टाइम लगा लें, जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब आपने उसकी फ़राइज़ो सुनन के साथ मुस्तहबात के साथ तकमील नहीं की, आपके वुजू का हुसन नहीं बना, और वो वुजू आपको भी हुसन नहीं दे सकता। जो खुद हसीन होगा तो आपको भी हसीन करेगा ना, तो खुद हसीन वो तकमील के साथ होगा पर आपको भी वो हसीन करेगा। लिहाजा इनका सीखना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। इसकी तरतीब मैं आपके सामने कल तो जुमतुल मुबारक है, कल नहीं परसों पेश करूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अभी मैंने कल जो चीज़ें चंद बयान की थी, हमारे फर्शों की गंदगी, बच्चों का पेशाब कर देना, या माओ का बच्चों की के पैम्पर्स चेंज करना, और फिर घर में हमारी जो मुलाजमाएँ काम करती हैं उनसे थोड़ा सा वाकिफ हो लें और उस पर फिर खुद वर्क करें और उन चीज़ों को सीखें। यानी हमारे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में ईसाई औरत काम करती है तो क्या उसके बर्तनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो हमारे बर्तन में खाना खा सकती है, ये सवाल करते हैं। और इसी सवाल से सबको गरज होती है, वो औरत जो ईसाई है वो आपके घर के सारे फर्श धो के जाती है, आपने कभी नहीं पूछा वो पाक होते हैं कि नहीं। वो आपके कपड़े धो के जाती है, आपने कभी ये सवाल नहीं किया पाक होते हैं कि नहीं। वो आपके बर्तन धो के चली जाती है, वो आपको सारे पाक लगते हैं, लेकिन बर्तन में खाने के वक्त आपको टेंशन हो जाती है। देखिए ना हमारे दिमाग किधर जाते हैं। तो फिर वो जो ईसाई औरत है, हमारे इस्लाम के दीन के जो अहकाम हैं वो उसके ऊपर ना लागू होते हैं, ना उसके सीखना ज़रूरी है, ना वो पीछे से सीख के आती हैं। वो किस पे ज़रूरी है? हमारे ऊपर, मुसलमान हम हैं। तो जब आप एक गैर मुस्लिम को या अहले किताब को घर में किसी भी काम की ड्यूटी दे रहे हैं तो क्या ज़िम्मेदारी बनती है आपकी कि आप उसको पहले उन कामों का शरई तरीका सिखाएं कि आपने ये काम इस तरीके से करने हैं, तब हमारे दीन के मुताबिक ये काम दुरुस्त होने हैं। वो एग्री करें और वो दयानतदारी से काम करें तो आपके लिए वो दुरुस्त है। अगर वो ऐसा नहीं करती और उसे पाकी नापाकी के कुछ मसाइल का आपने नहीं बताया, वो अपनी मर्ज़ी से जैसे उसका दिल करता है वो कर जाती है, जो वाइपर वो जाके वाशरूम में लगाती है और जो ब्रश वो वहाँ लगाती है वो आपके कारपेट पर भी लगा देती है। वाशरूम के बाहर की जो जगह है जो आम तौर पे बड़ी एहतियात के साथ रखनी चाहिए, उसको जिस कपड़े के साथ वो साफ़ करती है उसी कपड़े के साथ वो बाकी फर्श को साफ़ कर देती है, उसी कपड़े के साथ जाके वो किचन की शेल्फ़ें और किचन का फर्श साफ़ कर देती है। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? आप पे। आपने कभी ये तो सवाल ही नहीं किया, आपको सिर्फ एक सवाल का पता कि आपने वो सवाल करना। हालांकि जो अहले किताब हैं उनके बर्तन वो हमारे बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उनके बर्तन को इस्तेमाल करें या हाथ लगाएं या अपने बर्तनों में रखें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये भी सुन लीजिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी जो नापाकी है उनकी, नापाकी उनकी ज़ुबान के साथ उनके हाथों के साथ नहीं लगी हुई, वो एक मानवी नापाकी है। अगर एक बंदा काफिर है, एक बंदा मुशरिक है, तो उसकी नापाकी उसके कपड़ों और उनके साथ नहीं लगी हुई कि नजस जानवर के साथ तरह उसके जिस्म के साथ से लगोगे तो नापाक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो मानवी नापाकी है कि कुफर बजाते खुद नापाक चीज़ है, शिर्क नापाक चीज़ है। तो आप इस एतबार से उनसे बचेंगे, लेकिन ये हुक्म नहीं होगा कि आप बर्तनों के बारे में मुतजस्सिस हो जाएं और परेशान हो जाएं। अब ज़रूरत इसी चीज़ की है जो मैंने अर्ज़ की कि अगर आप किसी
क्रिश्चियन को काम के लिए मुकर्रर करते हैं, घर में मुलाजिमा रखते हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पहले उससे हलफ़ लें कि भाई हमारे दीन के मुताबिक हमारे जो काम करने हैं, हमारी नमाज़ों हमारी इबादतों का मसला है, आप अगर उनके मुताबिक हमारे घर की सफाई कर सकें तो फिर हम आपको मुकर्रर करते हैं, वरना नहीं। और फिर वक्तन फोक्तन चेक रखें, उसकी बैग पे चेक रखें कि वो क्या कर रही हैं। ये तो होगी इनकी बात। अब रहेगी बात आपकी अपनी बहुओं और बेटियों की, वो क्या करती हैं। मैंने कल एक मिसाल दी कि फर्श पे अगर पेशाब गिरा वो टॉवल वगैरह से या कपड़े से साफ करेंगी और उसी को दूर दूर तक फेर देंगी, जितना नापाकी को फैलाना था खूब फैला लिया। या फिर अगर कोई औरत उसको धो के भी लाएगी तो वो यूं टूंटी के नीचे करके खंगालेगी और खंगाल के ला के धो के वापस फिर उसी से बाकी सफाई कर लेंगी, अब भी वो नापाक है। पाकी का तरीका क्या है? कल एक अजीज़ा ने सवाल भी पूछा था कपड़े पाक करने का, अब मैं सिर्फ अभी यही बताऊंगी पाकी का तरीका क्या है। कि जो कपड़ा या जो कोई ब्रश आप उस जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं जहाँ पे नापाकी थी, यानी पेशाब या कोई और नापाक चीज़ गिरी थी, तो उसको दोबारा पाक करने के लिए आप एक मरतबा धोएंगे, धोकर उसको उतना निचोड़ेंगे कि अब उसके अंदर से पानी का एक कतरा भी ना आता हो। उसको दोबारा धोएंगे, फिर उसको उतना निचोड़ेंगे कि कोई कतरा अब पानी का नुचड़े नहीं। तीसरी बार फिर धो के जब आप उसको इसी तरह निचोड़ लेंगे, अब वो कपड़ा या ब्रश या कारपेट या कोई चीज़ पाक हुई है। जिस चीज़ को तो आप निचोड़ सकते हैं उसको तो निचोड़ेंगे, जिसको निचोड़ना पॉसिबल नहीं है, आप ज़रा तजस्सुस से मुझे देख रहे हैं कि उनका क्या करेंगे। हाँ, अगर ब्रश है कोई ऐसी चीज़ है धोने वाली तो उसको आप धोएंगे, झाड़ेंगे और उसको खड़ा कर देंगे कि उसके अंदर से वो सारे कतरे निकल जाएं, दोबारा से बारह तीन बार ये करेंगे वो पाक हो जाएगा। कारपेट या कोई ऐसा नाजुक कपड़ा जिस पे आपका काम वगैरह हुआ होता है और आप उसको निचोड़ नहीं सकते, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको भी धो के डाल देंगे, उसके अंदर से जितना पानी बहना है बह जाएगा, जब पानी रुक जाएगा फिर दोबारा आप उसको निचोड़ेंगे, धो के दोबारा से निचोड़ेंगे नहीं, दोबारा पानी डालेंगे फिर वही करेंगे, तीसरी बार वही करेंगे। अगर कोई कपड़ा इस तरह का नापाक हो गया तो उसको पाक करने का ये तरीका हो गया। अब आजकल जो हमारी बहनें मशीन में कपड़े धोती हैं, मशीन में कपड़े धोने का भी सलीका हमारी बच्चियों को आना चाहिए। बच्चों के कपड़े, दादा दादी के कपड़े, नमाजियों के कपड़े, वो सब उठाती हैं मशीन के टक के धुली जाने हैं। अब ये कितनी बड़ी जहालत है, और अगर कोई बड़ा उनको मना करता है तो उनको इंतहाई गुस्सा आता है। ये शरई मामला था, इनमें कंप्रोमाइज़ नहीं है, हमारी आखरत बर्बाद हो रही है इन चीज़ों से। तो मशीन में कपड़े धोने का क्या तरीका है? एक तो ये कि जो ऐसे कपड़े हैं जो नापाक हैं, मिसाल के तौर पे किसी कपड़े के साथ खून लगा है, किसी के साथ कोई और नापाक चीज़ लगी है, किसी के साथ पेशाब बच्चे ने किया था, वो वही कपड़े में सूख गया, वो कपड़ा नापाक है, तो एक तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि वो चंद ही कपड़े होंगे ना, उन चंद कपड़ों को पानी में इसी तरह तीन बार डाल के खंगाल के उनको निचोड़ लें, बाद में साबुन सर्फ में डालने के लिए दूसरे कपड़ों के साथ मशीन में डाल दें, बाकी कपड़ों को नॉर्मल धो लें, अब ये कपड़े सारे पाक हो जाएंगे। किसी कपड़े का कुछ हिस्सा नापाक है उसको वहाँ से पकड़ कर पहले धो के उसी तरह तीन बार निचोड़ के क्लियर कर लें, जो नापाकी लगी है उसको उतार लें, उसके बाद बाकी कपड़ों के अंदर डालकर उनको धो लें। अगर या गलती से या गलत फहमी से, बाज़ोकात एक बंदे को पता है दूसरा बंदा कपड़े धोने आ गया, उसको नहीं पता कि इसके अंदर बच्चों के जो कपड़े थे वो पाक थे या नापाक थे, उसने गलती से कपड़े डाल दिए, तो उसका तरीका ये है, आप जब कपड़े धो चुके हैं उनको टब में से निकाल कर आप उसके अंदर डालें, किसी मशीन के टब से निकाल के दूसरे टब या बाल्टी में डालें वो सारे कपड़े, और ऊपर से नल खोल दें, कपड़ों को अच्छी तरह से हलाएं अंदर पानी में, और जब पानी उस बाल्टी या टब के अंदर इस तरह ओवरफ्लो हो जाए, पानी बहने लग जाए, अच्छी तरह पानी ऊपर से बह जाए बाल्टी से, अब वो जो कपड़े आपके अंदर इकट्ठे थे, मिक्स थे, वो कपड़े पाक हो जाएंगे।
पानी कम रहेगा बाल्टी के अंदर खड़ा रहेगा, आपके कपड़े वो पाक नहीं होंगे। पानी को किनारों से यूं करके बह जाने दें, अच्छी तरह बह जाने दें। अब उन कपड़ों को निकालें और उनको निचोड़ के डाल दें, वो कपड़े पाक हो जाएंगे। ये मशीन में, और मशीन का जो टब है फिर आप उसको धो के उसके अंदर से सारा पानी निकालेंगे, टब तब पाक होगा। तो इस इतने वक्त से ज़्यादा बेहतर है ना कि वो जो नापाक चंद कपड़े हैं आप उनको एहतियात से पहले अलग नापाकी से फारिग कर लें, उसके बाद सारे कपड़ों को धो लें। और अगर टब के अंदर जो मशीन का टब है, अगर आप समझते हैं कि उसका सिस्टम ऐसा है, तो फिर उसके अंदर जो पानी या कपड़े हैं उनको भी ओवरफ्लो कर दें, यानी वो पानी ऊपर से निथर कर ज़्यादा बह जाए तो फिर वो टब भी और वो कपड़े भी पाक हो जाएंगे। मशीन में कपड़े धोने का ये तरीका होगा। इसके बगैर अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपके कपड़े पाक नहीं होते। अच्छा, उसके बाद अगर एक औरत ने वो कपड़े तो पाक कर लिए, लेकिन अब अलग से अगर किसी कपड़े को वो धो रही थी और उसको उसने निचोड़ा पाक किया, अब खुद उसको अपने हाथों को धोना भी ज़रूरी है। आपने देखा कि हमारी जो बच्चियां हैं आजकल, जो पैम्पर्स लगाने वाली माएँ हैं, ये सारी माएँ क्या करती हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बेड्स के ऊपर लिटा के बच्चों के पैम्पर चेंज करती हैं और गंदे पैम्पर उठा के निकालती हैं, और निकालने के बाद कितनी माएँ स्पेशली वॉशरूम में जाके अपने साबुन से हाथ धोती हैं, बताएं ज़रा मुझे। बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी, वो बस यही समझती हैं कि ये चूँकि सारा ड्राई ड्राई काम है और आराम से उनको करो चेंज करो। लेकिन अगर तो आपने पैम्पर को ठीक किया है, पैम्पर वाकई ड्राई है और उसको आपने हाथ लगाया है, तो एहतियात तो अपनी जगह पे है लेकिन फतवा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पैम्पर चेंज करके बच्चे को साफ कर रहे हैं तो कितनी आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके हाथ पाक ही रहे हैं। अगर पाक भी रह जाए तो निफासत का तकाजा तो ये है ना कि उनको धोया जाए। और बहुत सारी माएँ, बहुत सारी लड़कियाँ इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेखबर, नावाकिफ और बेइल्म होती हैं और इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती, फिर उन्हीं चीज़ों से चीज़ें पकड़ी जाती हैं, खाई जाती हैं, पी जाती हैं। किस कदर गंदगी का माहौल है। अब ऐसे में साबुन के साथ हाथ धोना ज़रूरी है उनको पाक करने के लिए। इसी तरह अगर आपने वो बाल्टी, वो बर्तन जिसके अंदर कोई नापाक कपड़ा था उसको पकड़ा, अंदर से कपड़े तो हो गए पाक, बाहर वाला हिस्सा किसी भी बर्तन का अगर नापाक रह गया और आपने उसको हाथ लगाए और उन्हीं हाथों से वो पाक कपड़े उतार जाके आपने तार पे डाले, उन कपड़ों को पकड़ा, झाड़ा, तो आपके हाथ नापाक थे, तो दोबारा वो नापाकी कपड़े को लग जाएगी। इसी तरह अगर कोई कपड़ा ठीक से पाक नहीं हुआ और आपने अपनी तरफ से उसको निचोड़ के जाके तार पे डाला, तार गीली हो गई उस नापाक कपड़े की वजह से, जब तार गीली हुई नापाक कपड़े की वजह से आपका हाथ वहाँ लगा गीली तार को, तो आपका हाथ फिर से नापाक हुआ। और अगर कपड़ा वहाँ पे दोबारा दूसरा पाक कपड़ा डाला तो वो पाक कपड़ा भी नापाक तार के ऊपर डालने से नापाक हो गया। ये ख्वाब में भी कभी बातें नहीं सोची होंगी आपने, लेकिन ये हमारे इस्लाम की तहारत है, ये पाकीज़गी है। और ये तमाम मसाइल माओं को शादियों से पहले बच्चियों को सिखाने हैं। जिस वक्त आप उन्हें कहती हैं कि ये बच्चे का कपड़ा, चल तू जाके तो धोके पाया, तो वो जितने जितने पा के आएगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ नापाकी फैलती रहेगी। उसको आपने जब तक ये सिखाना नहीं है कि नापाक कपड़ा कैसे पाक करना है, कैसे निचोड़ना है, कितनी बार निचोड़ना है, हाथ धोने हैं, हाथ कैसे पाक करने हैं, उस वक्त तक तो वो ऐसे ही करेगी, वो आम कपड़े की तरह धोएगी और वह नुचड़ता हुआ जहाँ पे डालेगी, जहाँ जहाँ पे उसके कतरे गिरते जाएंगे वहाँ भी नापाकी गिरती जाएगी, और जहाँ जाके डाल के आएगी वो जगह भी नापाक होगी, खुद उसके हाथ नापाक होंगे, वो भी आके काम में लग जाएगी। इतनी एहतियात की ज़रूरत है। बच्ची बच्ची या बच्चा जिस वक्त माँ उसको इस्तिंजा करवाना छोड़ती है, उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है, उस वक्त वो बच्ची और बच्चे को समझाए कि अब तुमने खुद जब इस्तिंजा करना है तो कैसे करना है। ये मसाइल उसने उस वक्त बच्चे बच्ची को समझाने हैं। और उसके बाद जब इस एज पे आए बच्ची आपकी हेल्प करने के काबिल हो जाए
छोटा मोटा आपके साथ काम करती है तो आपने सारे मसाइल बिठा के उसको सिखाने हैं, तब ये निज़ाम तहारत हमारा डेवलप होगा और हमारे माहौल के अंदर सुकून, इत्मीनान, रूहानियत और नूरानियत पैदा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के लिए क्या फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ईमान ही पूरा नहीं होता तहारत के बगैर तो फिर हम नमाजें कौन सी पूरी करेंगे, हम इबादतें कौन सी पूरी करेंगे। तो खुदा रा अपने ऊपर अपनी औलादों पर तवज्जो फरमाइए और इन मसाइल को मैंने इशारा दिया है, थोड़ी सी बातें आपको बताइए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद पूछें, सीखें, समझें और उन पर अमल करें। और फिर कल हमने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया था कि अभी हमें इन बातों का पता चल रहा है, हम जिंदा हैं, तौबा का वक्त मौजूद है, माजरत का वक्त मौजूद है, इजाला करने का वक्त मौजूद है, तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस नेमत के मिलने पर भी हम कैसे शुक्र करें कि शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न थी। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, शायर की ज़ुबान में ही पढ़ते हैं, दामने अहमद थमाया मैं तो इस काबिल न था, और वो नबी जिनको बुलाया अर्श पर तूने, खुदा अर्श पर, तूर पर नहीं, मैदान में नहीं, किसी और जगह पे कुर्ब नहीं अता किया, बल्कि वो नबी जिनको बुलाया अर्श पर तूने खुदा, उम्मती उनका बनाया मैं तो इस काबिल न था, और गुमराही के ऐसे नाजुक दौर में तूने मुझे उनकी सुन्नत पर चलाया मैं तो इस काबिल न था, और रहनुमाई है नबी की ता कयामत हर कदम। ये कोई दो चार सदियों की बात नहीं, हमारे लिए खुश नसीबी की ये बात कि हमारे नबी वो नबी हैं जिनकी हिदायत, जिनकी रहनुमाई अब ख़त्म होने को नहीं, बल्कि रहनुमाई है नबी की ता कयामत हर कदम, राह जन्नत को दिखाया मैं तो इस काबिल न था। और कैसे मिलती है रज़ा, ऐ अल्लाह तेरी रज़ा कैसे बंदा हासिल कर सकता है, कैसे मिलती है रज़ा तेरी किसे मालूम था, बंदगी क्या है बताया मैं तो इस काबिल न था। बंदगी करना भी तेरे महबूब ने हमें सिखाया, हमें क्या पता था, और हम इस काबिल भी नहीं थे कि बंदगी कर सकते, और मैं नबी के दर पे जाऊँ, यानी यहाँ रह के नहीं, अब शुक्रिया का तरीका ये है कि मैं नबी के दर पे जाऊँ फिर कहूँ या रब मेरे, वलो अन्ना हूँ अनफुसा हूँ जाओगा इस ज़ुल्म व अनफुसा हम जाओगा, कि जब जुल्म कर लें तो हजूर के पास आएं और वहाँ जाके अपने रब को पुकारें। तो शायर उसकी अक्कासी कर रहा है कि मैं नबी के दर पे जाऊँ फिर कहूँ या रब मेरे तूने रोज़ा है दिखाया मैं तो इस काबिल, तूने रोज़ा है दिखाया मैं तो इस काबिल न था। ये नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका है, और सबसे बड़ी नेमत जिसके साथ हम आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर जुड़ रहे हैं और उससे अपनी कैफियतों को और अपने अपने बातिन को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون साजे की रुकू पड़ेंगे वलकद अरसलना और बेशक हमने रसूल भेजे इला उमम मिन कबलिक आपसे पहले उम्मतों की तरफ फअखज़नाहुम फिर हमने उन्हें पकड़ा बिल बक्साई सख्ती व और तकलीफ से लअल्लहुम यतदर्रउन ताकि वो गिड़गिड़ाएं यानी उन्हें आहुजारी करने का तौबा करने का मौका मिले फलौला इज्जाअहुम तो क्यों ना हुआ कि जब उन पर आया बासुना हमारा अजाब तो वो क्या करते तदर्रऊ तो वो गिड़गिड़ाते मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला इस पे ये इजहार फरमा रहा है कि इतना कुछ होने और इतनी शदीद गिरफ्त और पकड़ के बावजूद भी उनको इसकी अकल और समझ क्यों ना आई और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस ना हुई कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हमारा अजाब देखकर सरेंडर कर देते और अगर वो ऐसा कर लेते मतलब ये कौन सी टोन है ये कौन सा तरीका है कि जब एक बंदा हद से ज़्यादा मुजरिम होता है ना और इंतज़ामिया या हुकूमत या ज़िम्मेदारान उसके जुर्म को उसके गुनाह को किसी न किसी तरह से इग्नोर करते करते उसको मौका देते हैं कि शायद इसे समझ आ जाए शायद इसे समझ आ जाए ये आज कल शर्मसार हो जाए तो वो हिकमत से तरीके तरीके से उसको बचाते जाते हैं लेकिन जब इंतहा हो जाती है वो फिर भी अपनी हठ धर्मी पे कायम रहता है पर अब कोई अगर आके उसके लिए सिफारिश करे तो फिर इंतज़ामिया या ज़िम्मेदारान या हुकूमत यही कहेगी ना कि हमने कितना लंबा टाइम उसे दिया तो इसे क्यों समझ ना आई इसे क्यों ख्याल ना आया कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँ तो इसकी सज़ा माफ़ हो जाती जब तब भी इसने ऐसा नहीं किया तो अब तो कुछ नहीं होने वाला अब तो कुछ भी इसके हक़ में कबूल नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज में ये फरमा रहा है कि हमारा अजाब भी आ गया और इस कदर इन लोगों ने नाफरमानियाँ की हठधर्मी की नबियों की गुस्ताखियाँ की और हम इनको बचाते रहे तो कम से कम उस वक़्त तो ये सीधे हो जाते शर्मिंदा हो जाते तो क्या फ़ायदा होता फिर हम इनको तौबा का मौका दे देते देखिए ना अल्लाह की इसके अंदर भी कितनी रहमत है कि हम फिर भी इनको तौबा का मौका दे देते लेकिन इनके दिल इस कदर सख्त हो गए थे और शैतान ने इस कदर उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और दुनिया की बुराइयों को आरास्ता कर दिया था
कि इन्होंने हर चीज़ को, कुरान की नसीहतों को, नबियों की तालीम को, उनके हक होने को और साबित हो जाने को भी इन्होंने कबूल नहीं किया और बिल्कुल कोई नसीहत कबूल करने की तरफ ये आए नहीं, और ना ही जो इनको मुसीबतें पेश आईं और ना ही वो चीज़ें कि जो नबी इनको नसीहत के तौर पर फरमाते थे। यानी जिस चीज़ की तरफ भी आप जाएंगे, इन्होंने किसी चीज़ से सबक हासिल नहीं किया। तो वलाकिन कसत कुलूबुहुम, और लेकिन सख्त हो गए थे उनके दिल, वज़य्यन लहुम शैतान, और रास्ता कर दिया था उनके लिए शैतान ने, मा कानू यामलून, उनके आमाल को। फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, मा ज़ुक्किरू बिही, जो उन्हें नसीहतें की गई, फतहना, तो हमने खोल दिए अलैहिम, उन पर, अबवाबा कुल्ली शै, दरवाजे हर चीज़ के, हत्ता इज़ा फ़ारिक़ू, यहाँ तक कि जब वो खुशियाँ मनाने लगे, बीमा उस पर, ऊतू जो उन्हें मिला, अख़ज़नाहुम, तो हमने उन्हें पकड़ लिया, बग़तन अचानक, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो अब वो ना उम्मीद होकर रह गए। ज़रा सीन को तसव्वुर में लाएं, ये पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है। ये उन लोगों की तरफ निगाहें इबरत से देखें जो अपने माल दौलत अपने स्टेटस से आगे किसी को समझते ही नहीं, और बावजूद इसके कि हम देखते हैं कि कुछ लोग इलाके के अंदर दहशत का निशान होते हैं, मगर दौलत है कि आती जाती है, माल है कि आता जाता है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, कोठियों पे कोठियाँ, करोड़ों पे करोड़ आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज़ जमा हो रही हैं, मगर जुल्म, नाफरमानी, बद अखलाकी वो बढ़ती जा रही है। हम उससे क्या निकालते हैं, क्या अखज़ करते हैं? यानी जो बंदा अल्लाह की तरफ से आने वाली कसरत की जो नेमतें हैं उन पर फ़ख्र और तकब्बुर करने लग जाता है, शेखी में आ जाता है, तो ये तरीका उसने कहाँ से सीखा? काफिरों से। ये काफिरों का तरीका है, ये किसी मुसलमान का तरीका नहीं। मुसलमान का आलम क्या है? उसका आलम एक फलदार दरख्त जैसा होगा, जितने फल ज़्यादा होते हैं वो झुकता जाता है, वो झुकता जाता है, उसके अंदर लचक आती जाती है। और कुफार क्या करते थे? कुफार यही करते थे, फ़ख्र, तकब्बुर, शेखी, किसी को अपने बराबर इंसान ही नहीं समझना, हकीर, कीड़े मकोड़े समझना, और एक एक दिन में न जाने कितनी गर्दनें उड़ा के बैठ जाना। क्या हमारे वडेरे, हमारे डेरों पे रहने वाले लोग, हमारे सियासी किरदार, ये आज भी ऐसा ही नहीं करते? किसी को पता चलता है कि किसी का बेटा कहाँ गया, किसी का शौहर कहाँ गया? 50-50 साल बाद जाके राज निकलते हैं कि किसी ने क्या किया था, और उसका नामो निशान भी आपको नहीं मिलता। ये वही लोग हैं जिन कुफार के तरीक़ों पर चलने वाले। तो हमें हुक्म क्या दिया गया है? कुरान पाक ने जो मुसलमान को तरीका सिखाया है वो फरमाया, अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, तुम्हें देने वाला रब जितना देता जाए तुम उसके चर्चे उतने ज्यादा करते जाओ, लोगों को बताते जाओ कि ये मेरे रब की नेमत है, ये मेरे रब की अता है, ये मेरे रब का करम है, और सिर्फ मुँह से कहो ना, बल्कि उस नेमत को हकदारों में तकसीम करके उस रब का अमली शुक्र अदा। ये क्या तरीका है? अल्लाह ने ये क्यों दिया है? ये तरीका इसलिए दिया है कि अल्लाह तुमसे नेमत रोकना नहीं चाहता, वो हमेशा देना चाहता है। और इसका तरीका हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि आपने एक दरख्त लगाया, आप देख रहे हैं कि दरख्त की शाखें फैल फैल के कितनी चली गई और बढ़ गया वो दरख्त, लेकिन उसके अपने बोझ की वजह से क्या होता है, डालियाँ तो बढ़ गई हैं, फल कम हो गए। ये समझदार लोग जानते हैं, फल कम हो गया, अब सारी तवानाई जो है वो तो डालियाँ ले रही हैं,
फल अगर लगेगा भी तो फल अच्छा नहीं लगेगा या कम लगेगा, तो फिर क्या होता है, समझदार लोग क्या करते हैं, उसको काटते हैं, एक मौसम में शाखें काट देते हैं, पत्ते उतार देते हैं, उसको आज़ाद कर देते हैं ज़मीन से नशोनुमा लेने के लिए। और जब वो नशोनुमा लेता है, वो नशोनुमा पाता है, एनर्जी हासिल करता है, फिर उसके बाद उसका फल भी बेहतरीन आता है और उसके पत्ते डालियाँ पहले से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो चीज़ों को निकाल कर देने से आपकी चीज़ें पीछे से ज़्यादा आती हैं। एक तालिब इलम टॉपर है, अव्वल से आखिर तक टॉपर है, वो अपनी ज़ात तक टॉपर है। एक दूसरा तालिब इलम है जो एक मुतवस्सत दर्जे का औसतन नंबर लेने वाला, पासिंग मार्क्स लेने वाला, लेकिन उसकी लगन उसको आगे चलाती है, वो आगे बढ़ता है, तालीम मुकम्मल करता है, फिर क्या करता है कि अपनी तालीम लोगों को देना शुरू कर दे। वो टॉपर वहाँ ही बैठा रहेगा, उसका जो कुछ है वो उसकी अपनी बोरी के अंदर बंद है, लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स लेने वाला एवरेज स्टूडेंट था, उसने जब लोगों को अपना इल्म देना शुरू कर दिया तो दो चार साल बाद दोनों को इकट्ठे बिठा के गुफ्तगू करवा के देख लें कि वो जो दूसरों को देने वाला है वो कई दर्जे उससे आगे निकल गया हो। तो कुछ चीज़ों की फितरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब आप उनको तकसीम करते हैं तो वो ज़्यादा आती हैं, और जब आप उनको रोक देते हैं या वो उतनी रहती हैं या फिर उनको कीड़ा लग जाता है। और अल्लाह ये चाहता ही नहीं है कि चीज़ों को रोका जाए, अल्लाह ये चाहता है कि चीज़ें सर्कल में रहें। ये पैसे पे ज़कात क्यों है, माल पे ज़कात क्यों है, सोने पे ज़कात क्यों है, इसीलिए कि कोई बंदा सांप बन के उसके ऊपर ना बैठ जाए। अल्लाह ये नहीं चाहता कि उनको रोक के बंद करके रखो, बल्कि उनको चलते रहना चाहिए, और जब वो चलते रहेंगे तो कायनात में खुशहाली रहेगी, पैसा ज़्यादा आएगा, और आप भी एक वक्त में सोचेंगे कि मेरी गिनती कम हो गई, लेकिन दूसरे वक्त में आप खुद इस बात पे हैरान होगे कि आप पैसा आया कहाँ से। तो अल्लाह के निज़ाम को समझिए। अब अल्लाह दौलत दे तो हुक्म क्या है, उसके चर्चे करो, उसको तकसीम करो, अपने पास बांध के मत रखो। जब आप तकसीम करते जाओगे तो पीछे तकसीम करने वाला पहले से ज़्यादा तकसीम करेगा, तुम्हारा हिस्सा पहले से बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है इस आयत करीमा में कि जब उन लोगों ने नसीहतों को भुला दिया ना, ये किन की बातें हो रही हैं, कुफार व मुशरिकीन की, यहूद व नसारा पीछे वाले जो लोग इस्लाम को, नबी इस्लाम को कबूल करने वाले नहीं थे, ये सब इसमें शामिल है। तो जब उन्होंने नबियों की हुई नसीहतें, कुरान की नसीहतें, अल्लाह की नसीहतें सारी भुला दी, तो अब ज़रा देखिए अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उनको पकड़ा नहीं, हमने उनको तंगी में नहीं डाला, बल्कि फतहना अलैहिम अबवाबा कुल्ली शै, हमने रिज्क के, खुशहाली के, नेमतों के दरवाज़े ही खोल दिए उनके। क्या समझ आई कि जब गुस्ताख, नाफरमान और अल्लाह का नाशुक्रा बंदा और नबियों का गुस्ताख बंदा इस हाल में तब्दील होता जाए कि लोग देखें कि पता नहीं दिन रात इसके पास माल और दौलत कहाँ से आ रही है, ठाट बाट ही बदल गए हैं, मकानों में रहने वाला कोठी और बंगलों का मालिक बन गया, तो फौरन मुतफक्किर हो जाओ, समझ जाओ कि इसके पीछे अल्लाह की कोई सज़ा है, अल्लाह की कोई सज़ा है। और यहाँ भी यही हुआ कि वो नेमतें उनको ज़्यादा अल्लाह ने देनी शुरू कर दी और वो नेमतों में खेलने लगे, हर चीज़ के दरवाज़े खुल गए, हर चीज़ की वसअत अल्लाह ने अदा कर दी। तो नेक बंदे को भी इस बात पे डरना चाहिए कि कहीं ये अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश ना हो, बुरा तो है ही बुरा ना, नेक बंदे को भी डरना चाहिए जब दौलत ज़्यादा आ जाए तो वो डरे कि ये कहीं अल्लाह की तरफ से आजमाइश ना हो, और बुरे बंदे पर ये जब सूरत हाल आती है तो वो तो वाकई आजमाइश होती है। अब वो क्या समझता है, काफिर अपनी तरक्की देखता है ना, जब
वो कहता है कि अगर मैं गलत होता तो मेरे पास ये सब कुछ क्यों होता, ये तो अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम है। लेकिन अल्लाह वो करम क्यों कर रहा है? अल्लाह उसे आजमाने के लिए और ये देखने के लिए कि वो मेरी तरफ पलटता है कि नहीं। तो जब वो इसी हाल में चलता रहता है, अल्लाह फरमा रहा है कि फिर यकदम हत्ता इज़ा फारिहु बिमा ऊतू, जब वो खूब खुश हो गए ना और खूब उरूज पे गए कि अब हमें पीछे पकड़ने वाला कोई नहीं, हर जगह पे हमारी लाखों की करोड़ों की कॉपियां टेबल पे जाती हैं और सारे काम हो जाते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई पुलिस कोई कानून हमें रोकने वाला नहीं, हमारी गाड़ी शराब से भरी है तो कोई चेक करने वाला नहीं। जब हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि अखज़ना हम बख्त आता है, फिर क्या होता है? फिर कभी नेट पे आप देखते हैं कि एक गाड़ी चल के जा रही होती है, सारी रोड बिल्कुल ठीक है और दुनिया में बस खड़ी होकर देख रही है तो गाड़ी पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर धंस जाती है। फिर अल्लाह यूँ पकड़ता है, ये अल्लाह का तरीक़ा है। वो लंबी मोहलत देता है, समझाने वालों को भेजता है, नसीहत करने वालों को भेजता है, मगर जब माल और दौलत में सरशार और खुमारी में जब बंदा आ जाता है, वो समझता है ये बेवकूफ़ है, ये मुझसे जैलिस होते हैं, ये मुझे इसलिए पकड़ पकड़ के बैठते हैं कि ये मुझसे जैलिस होते हैं। हालांकि सारे जैलिस होने वाले नहीं होते, कुछ खैर ख्वाह भी होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया फैज़ा हम मुबलिसून, अब वो बिल्कुल मायूस होके बैठ गए। अब क्या हो सकता है? अब तो अल्लाह ने सारे मौके दिए थे, ऐ इंसान तूने उनको बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर दिया, लिहाजा अब अजाब का वक्त है, अब कोई अजाब को बचा नहीं सकता। और फिर कैसे अजाब दिया? अल्लाह फरमा रहा है फ़ुतिअ दाबिरुल क़ौम अल्लज़ीना ज़लमू, तो जड़ी काट दी। इस जुमले को तो सारे समझते हैं, पंजाबी वाले भी समझते हैं, उर्दू वाले, कि जड़ काटना क्या होता है, यानी कोई बंदा बिल्कुल खाली हाथ हो जाए, औतर न खतर हो जाए, मकान जाते रहे, माल जाता रहे, ज़मीनें कोई ले जाए, बैंक उजड़ जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, तो क्या कहते हैं? फलां की तो जड़ ही कट गई। तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर उन लोगों की तो जड़ ही काट के रख दी गई, किन की? जिन्होंने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफें अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। तो ये बेदीन और जालिम, इनकी जड़ तो कटी, ये खुद तो हिलाक हुए, ये किसी की वजह से नहीं हुए, ये अपने करतूतों की वजह से हुए हैं। लेकिन याद रखो कि अल्लाह की तरफ से इन लोगों का हिलाक हो जाना ये मुआशरे के लिए नेमत है। क्या है? हाँ, उनके शर, उनकी खबासत, उनकी बुराई से अल्लाह ने मुआशरे को बचाया भी, और ऐसी इबरत अंगेज़ उनकी हालत बनाकर लोगों के लिए नसीहत का मकाम भी बनाया। तो बहुत सारे लोग उनको देख के तौबा कर लेंगे, बहुत सारे लोग अपनी इस्लाह कर लेंगे और बहुत सारे लोग उनके जुल्म से बच जाएंगे। तो ऐसे जालिमों और बुरों की हिलाकत अल्लाह की नेमत है। इसकी मिसालें हैं, ये सिर्फ बात मेरी नहीं, इसकी मिसालें बारगाह रिसालत से लेते हैं। अबू जहल कत्ल हुआ, अबू जहल क्या था? मुसीबत पूरे मक्का के लिए, पूरे इस्लाम के लिए। वो कितने जुल्म करता था मुसलमानों का, किस किस कदर तंग करता था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दुश्मनियों का आलम क्या था, सरदार था ना वो भी, अबू जहल कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था ना, कोई उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता था, कोई जवाब नहीं दे सकता था। तो जिस वक़्त अबू जहल कत्ल हुआ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सजदाए शुक्र अदा किया, साबित हुआ ना कि उसका मरना, उसका कत्ल होना नेमत खुदावंदी था। तो अल्लाह के रसूल ने उस नेमत पे शुक्र अदा किया। और आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को हज़रत सैयदना मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते थे। फिर जब मदीना मुनव्वरा आकर नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को देखा कि वो भी रोज़ा रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखवाया और फरमाया कि आइंदा साल अगर हम होंगे, इसका मतलब है नहीं होंगे, आइंदा साल अगर हम होंगे तो हम 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखेंगे। मैसेज कन्वे कर दिया, खुद कायनात से तशरीफ़ ले गए और सहाबा ने फिर 9वीं और 10वीं का रोज़ा रख लिया।
इस रोज़े की बेस क्या है, ये रोज़ा क्यों रखा जाता था। 10 मुहर्रम को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को लेकर फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए निकले थे और रास्ते में दरिया नील को फाड़ कर अल्लाह ने खुश्क मैदान बना दिया, खुश्क रोड बना दी और वहाँ से निकले। सारी कौम मूसा अलैहिस्सलाम की मईयत में फिरौन के जुल्म सितम से बच गई और पीछे फिरौन उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ जब आया और दरमियान दरिया के आके हिलाक हो गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा किया और फिर उस शुक्राने में रोज़ा रखा और कौम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। साबित हो गया ना, जितना बड़ा जालिम, जितना बड़ा डाकू, जितना बड़ा गद्दार कोई होगा, जब वो दुनिया से जाएगा तो मकाम शुक्र होगा और ये सुन्नत मुस्तफ़ा होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यमामा की फ़तह हासिल की, जंग यमामा लड़ी और उसमें फ़तह नसीब हुई। जंग यमामा किसके साथ लड़ी गई थी? मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबी होने का दावा किया था, और उसके साथ आपने जंग लड़ी तो मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हो गया उस जंग में। और जब उसके कत्ल होने की खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पहुंची तो आपने भी सजदाए शुक्र अदा किया। वो एक नबूवत का फितना लेके उठा था, जैसे आज के दौर में मिर्ज़ा कादियानी, इस तरह उसने नबूवत का फितना खड़ा किया था, अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, लोगों के सामने मशहूर किया, लोगों को फॉलो करने वाला फॉलोअर बना लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसके साथ जाके जंग लड़ी और जंग लड़ के उसको कत्ल किया आपकी फ़ौज ने। तो जब आपको ख़बर मिली तो आपने सजदा शुक्र अदा किया कि इस ज़मीन के ऊपर से बहुत बड़ा फितना ख़त्म हो गया। हज़रत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खारजियों के दरमियान ज़ुस्सदिया, ये एक आदमी था, इसकी अलग से कहानी है, वो दो पिस्तानों वाला, बड़े बड़े पिस्तानों वाला वो आदमी था जिसको उस कौम के दरमियान मुर्दा पाया, यानी वो उसका फितना ख़त्म हो गया, तो आपने भी उसके फितना ख़त्म होने पर सजदाए शुक्र अदा किया। लिहाजा पता क्या चला, आप सुनिए, जब भी कोई मोमिन फौत हो तो कहिए इन्ना लिल्लाही, क्या इन्ना इलैहि राजिऊन, और जब कोई ज़माने का फासिक, फाजिर, जालिम इंसान जिसने पूरी दुनिया और पूरे इलाके को अपनी दहशत में दबा रखा था, जब वो कत्ल हो जाए, मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उस वक़्त पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी उसके साथ भी मोहब्बतें जाग पड़ती हैं, सबसे पहले पूड़ी पे जाके अभी बैठते हैं, उनके घर वालों से अफसोस भी करते हैं और कहीं कहीं से निकाल के कोई तारीफ भी ले आते हैं, चंगा सी गरीबा की मदद करता सी, तो वो जो गरीबों की खलड़ी उतार देता था वो किसी को अब भूल गई सब साथ ही। तो जो शरीयत का हुक्म है वो सीखिए, गैरत ईमानी पैदा कीजिए। जब कोई ऐसा जालिम फासिक और जाबिर इंसान दुनिया से जाए तो बोल कर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे नबी की सुन्नत, नबी के सहाबा की सुन्नत और बहुत से बुजुर्गाने दीन की सुन्नत है। और ज़िमनी तौर पे ये भी बता दूँ कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन जो होता है ना लफ्ज़, ये सिर्फ मरने के लिए नहीं होता, कोई भी मुश्किल आ जाए ना, मिसाल के तौर पे आपको किसी ने ख़बर दी खुदा ना हास्ता, या आपके किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया, शदीद चोटें लग गई, नुकसान हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, बाइक का नुकसान हो गया, आप उस वक्त भी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़ेंगे। आगे होगी कि किसी के मुंह पे आते ही रखना खैरी सल्लाह नहीं मरिया नहीं, ये हमारी तालीमात है। इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि बेशक हम सब और जो गया वो भी, वो सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हम हैं ही अल्लाह के और अल्लाह की तरफ जाना है, हमारी हर चीज़ अल्लाह की, उसने भी पलटना है अपने अंजाम की तरफ। वो मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी है, वो पैसा है, वो मकान है,
या कोई और तकलीफ पहुंची है, आप हर ऐसे मकाम पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी चाहिए सबको। वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और हम नहीं भेजते, अल्लाह फरमा रहा है हमारा ये तरीक़ा है कि हम जब भी नबी रसूल भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं, हम नहीं भेजते रसूलों को मगर खुशखबरी सुनाने वाले और जहन्नम से डराने वाले। रसूल आते ही इसीलिए कि तुम लोगों को वो दोनों चीज़ों के बारे में आगाह करें और जन्नत की रहमत दिलाएं और दोज़ख से डराएं, उनका यही काम है। फमन आमाना, तो जो कोई ईमान लाए, व अस कुल आराई तुम, जी आप फरमा दीजिए कि भला तुम ये बताओ, इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर तुम पे अल्लाह का अज़ाब आ जाए, बग़तन अचानक, औ जहरतन या खुलम खुला, खुलम खुला क्या होता है, आसमान से हमें नज़र आ रहा हो कि ऐसी आंधी, ऐसा तूफ़ान, ऐसी बारिश बरस रही है कि वो तबाही फैला रही है, ये खुलम खुला अज़ाब है, हमारी आंखों के सामने बस्ती पूरी तबाह हो जाए, मकान सारे देखते देखते गिर जाए, ये खुलम खुला अज़ाब है, पानी आ जाए पूरे इलाकों को बहा के ले जाए, ये खुलम खुला अज़ाब है। तो हर युहलक, तो कौन हिलाक होगा इससे, आप देखेंगे कि ये खुले अज़ाब जब आते भी हैं तो अल्लाह जब चाहता है तो ढेरों मकानों के अंदर से जिसको साबित रखना चाहे वो रख लेता है, जिसको खड़ा रखना चाहे वो रख लेता है, जिसको बचाना चाहे वो बचा लेता है। तो इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून, हाँ वो अज़ाब किसके लिए आता है, ज़ालिमों के लिए, ज़ालिमों में से कोई नहीं बचता। वमा नुरसिलु, और हम नहीं भेजते अल मुरसलीन रसूलों को, इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, मगर खुशखबरी सुनाने वाले और दोज़ख से डराने वाले। फमन आमना व असलहा, तो जो कोई ईमान लाए और ख़ुद को संवारे यानी अपनी इसलाह कर ले तो फिर उसके लिए खैर ही खैर है, फला खौफ ना अलैहिम, ना उन पे कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू, और जिन्होंने झुठलाया, भी आयातीना, हमारी आयतों को, यमस्सुहुम, तो पहुँचेगा उनको, अल अज़ाबू, अज़ाब, बीमा कानू यफ़सुकून, यानी वो अज़ाब ऐसे खाम खाली होगा बल्कि उनके फिस्क, उनकी नाफरमानी की वजह से वो अज़ाब उनको आएगा। कुल, आप फरमा दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी, कि ऐ लोगों, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने पास से नहीं कहता। एक होता है ना कि कोई बंदा बात बना के अपनी तरफ से कह देता है, या अपनी लैंग्वेज में बात कर देता है, या अपने लहजे में बात कर देता है, तो अल्लाह के हबीब के लिए तो कुरान ने क्या फरमाया, वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, अल्लाह ने खुद गारंटी दे दी कि मेरा महबूब तो जो आम बात होती है ना लोगों के अंदर, वो भी अपनी मर्जी से नहीं करता, वहाँ भी जो वर्ड्स मेरे महबूब के लबों से अदा होते हैं वो मेरे होते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, खज़ाइनुल्लाह, अल्लाह के ख़जाने हैं, यानी कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, वला आलमुल ग़ैब, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद से गैब जान लेता हूँ, खुद से पे मैं ज़ोर क्यों दे रही हूँ, भाई आपने खुद तो कुछ नहीं किया, कोई आपको आके दे गया तो वो तो किसी ने अता कर दिया ना, वो आपने तो नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल को जितने गैब अल्लाह ने अता किए वो तो अल्लाह ने अता किए, तो रसूल कह रहे हैं कि मैं तो कभी ये दावा नहीं करता कि मैंने किसी अपनी रियाजत या अपनी किसी ताकत से गैब हासिल किए हैं, वो जो गैब दिए हैं वो तो मेरे रब ने सारे मुझे वला अक़ूलु लकुम, और ना ही मैं तुम्हें ये कहता हूँ, इन्नी मलक, कि मैं फरिश्ता हूँ, इन अत्तबिउ, मैं ताबे नहीं, इल्ला मगर, मा युहा इलैह, उसी के जो मुझे वही की जाती है, यानी जो जिब्रील अल्लाह की तरफ से लाकर मुझे देते हैं मैं वही तुम तक पहुँचाता हूँ, और मैं उसी का ताबे यानी उसी की पैरवी करने वाला हूँ। और कुल, ए हबीब, आप फरमा दीजिए,
हल यस्तवी, क्या बराबर हो जाएंगे अल अअमा अंधे वल बसीर और देखने वाले। अफला तफक्करून, तो क्या तुम इन छोटी छोटी बातों पे भी गौर नहीं करते। यानी एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा समझदार भी ना हो, तो वो अंधे बंदे और आँखों वाले बंदे में फ़र्क कर सकता है कि नहीं, बताइए? दोनों में फ़र्क होता है कि नहीं होता? और उसको मालूम करने के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती कि हम पहले एमए पास करें तो हमें पता चलेगा ये अंधा है और ये अंधा नहीं। वो तो बच्चे को भी पता, बड़े को भी पता। तो अल्लाह तबारक व तआला ये मैसेज पहुंचा रहा है उन लोगों तक कि हबीब आप ज़रा इन्हें पूछिए कि जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होता, इसी तरह ईमान वाला और बेईमान भी कभी बराबर नहीं हो सकता। और जिस तरह उनके अंदर फ़र्क करना किसी के लिए मुश्किल नहीं, इसी तरह इन दोनों के अंदर भी फ़र्क करना किसी के लिए मुश्किल नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान के ज़रिए और इन तमाम नसीहतों के ज़रिए और इन तमाम इबरतों के ज़रिए जो अल्लाह ने पहली उम्मतों के लिए रखी, हमें कुरान की सही समझ और कुरान की सही मोहब्बत अता फरमा दे। हमने जो सफ़र शुरू किया है, अल्लाह पाक की सफ़र के दौरान ही मंजिल से हमें इतनी मोहब्बत अता फरमा दे, उस मंजिल पे पहुँचे बगैर हमारा चैन और सुकून ख़त्म हो जाए।